देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका हजारों साल तक शोषण हुआ, बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशहाली आई है, जो उन्हें रास नहीं आ रही है, वो वापस गुलामी वापस लाना चाहते हैं। ये विवेक देवराय की अपनी राय नहीं है, मुझे लगता है उसको केंद्र की सरकार, उसके लोगों ने उससे बुलवाया है। कहा जा रहा है कि उनकी निजी राय थी। नहीं, वो करंट चेक कर रहे हैं समाज का, तो ऐसे चेहरे का करेंगे क्या, चार डालेंगे जो देश को खत्म कर दे। देश में जब नफरत हो रही है, दंगे हो रहे, तब कहाँ है वो चेहरा, दंगे नहीं रोक पा रहा। जो चमचा होता है कढ़ाई में से, कितना राशन, कितना खाना, कितनी सब्जी निकाल के किसको देनी है, ये बात चमचा तय नहीं करता। नहीं, ये तो साजिश है उनकी, उसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100 साल का सपना अपना पूरा करने के लिए 100 साल से वो लोग लगे हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी कीमत पर भारत का संविधान बदलने की उनकी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, और भारत के संविधान को बदलने का सपना छोड़ दें, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारत में पहले आज़ादी से पहले 562 रियासतें थी, यहाँ हर 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है। गुलामी की विरासत है ये संविधान। गुलामी की विरासत है, ये शब्दों का खेल है, और इनके शब्दों के खेल में अब देश के लोग फंसने वाले नहीं हैं। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका हजारों साल तक शोषण हुआ, बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशहाली आई है, जो उन्हें रास नहीं आ रही है, वो वापस गुलामी वापस लाना चाहते हैं। उनकी ये कामयाब हम उनको नहीं होने देंगे। जितने भी देश के अंदर अम्बेडकरवादी या न्याय पसंद लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, वो सब एकजुट होंगे, नफरत की राजनीति को चलने नहीं देंगे। ये लोग जगह जगह दंगे करवा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं जाति पर और धर्म के नाम पर, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। खास शब्द और है उनका, कह रहे हैं कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके ये लोग नया संविधान बना लिया, और इसे बदलने की ज़रूरत। ऐसा है कि इनके पास कोई काबिलियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये बताया ना, पिछले 9 साल से ज़्यादा का शासन हो गया, इन्होंने क्या दिया देश को, देश के सारे संसाधन बेच दिए, देश को गरीब बना दिया। जो लोग बहुत कम पैसे में इंजीनियरिंग मेडिकल की डिग्री ले लेते थे, आज पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट रही है, लोग यूथ जो है सो अपना सुसाइड कर रहे हैं। तो इनके पास कोई विज़न नहीं है, और ये मतलब कुतर्क कर रहे हैं, क्योंकि तर्क इनके बस की बात नहीं है, न्याय इनके कैरेक्टर में नहीं है। तो ये लोग सपना छोड़ दें, संविधान किसी कीमत पर नहीं बदलेगा, दोबारा से मनुस्मृति को हम नहीं आने देंगे। ये बुलवाया गया है, ये विवेक देवराय की अपनी राय नहीं है, मुझे लगता है उसको केंद्र की सरकार, उसके लोगों ने उससे बुलवाया है। कहा जा रहा है कि उनकी निजी राय थी। नहीं, वो करंट चेक कर रहे हैं समाज का, वो चेक कर रहे हैं कि बुलवा के देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर प्रतिक्रिया ठंडी रहेगी, चुप रहेंगे, तो फिर वो अपने उस पर एक्शन में आएंगे। तो क्या प्रतिक्रिया गई है? तो प्रतिक्रिया ये गई है कि 2024 में उनकी सत्ता जाने वाली है। सर्वे में तो वही आ रहे हैं। नहीं, उनका खुद का सर्वे बता रहा है 200 से नीचे बीजेपी आ रही है। मीडिया चैनल के सर्वे तो नहीं, मीडिया चैनल कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? तो गोदी मीडिया तो प्रवक्ता है बीजेपी को, उनका क्या करना है? हम उसको नहीं देखते, हम उसको बायकॉट कर चुके हैं सारे गोदी मीडिया। चेहरा है ना, मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के पास। चेहरा तो 2004 में भी नहीं था, 10 साल सरकार चली, तब तो दंगे नहीं हुए, शांति थी। तो ऐसे चेहरे का करेंगे क्या, चार डालेंगे जो देश को खत्म कर दे। देश में जब नफरत हो रही है, दंगे हो रहे, तब कहाँ है वो चेहरा, दंगे नहीं रोक पा रहा। 78 डेज तक मणिपुर के दंगों पे एक शब्द नहीं बोला, तो कहाँ है ऐसा चेहरा, किस बात का चेहरा, किस काम का वो चेहरा? संविधान की बात पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि 1947 में जब देश विश्वगुरु बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसके लिए पुराना संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो संविधान जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, जो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है, जिसमें हजारों साल से जो लोग गुलाम थे उनको भी इंसानियत का दर्जा देकर आगे बढ़ने का अवसर देता है, उस संविधान का कोई मुकाबला हो नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। और मनुस्मृति दोबारा स्वीकार करने के लिए भारत के लोग तैयार नहीं है। अच्छा, 131 सांसद जो हैं और या जो दूसरे MPs हैं, वो किसी ने बोला नहीं इस पर खुलकर संविधान बदलने वाली बात पर? गुलामों से ये उम्मीद करना बेकार है। माननीय कांशीराम साहब ने जो किताब लिखी चमचायु, उसका मैं आपको सार बताता हूँ। जो चमचा होता है कढ़ाई में से, कितना राशन, कितना खाना, कितनी सब्जी निकाल के किसको देनी है, ये बात चमचा तय नहीं करता।
कढ़ाई में से किसको कितनी सब्जी देनी है और कितनी निकालनी है, ये वो व्यक्ति तय करता है जिसके हाथ में चमचा होता है। आप चमचों से उम्मीद कर रहे हो वो बोलेंगे, उन्हें अपना टिकट कटने का डर है। तो इस हिसाब से फिर ऐसे अगर नहीं बोलेंगे तो संविधान बदलना आसान है फिर? नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये खुशी की बात है, सेलिब्रेट करने वाली बात है। जब से हमने इस मुहिम को चलाया कि आप बोलना सीखो, किस किस का टिकट कटेगा, क्यों डरते हो टिकट कटने से? अरे तुम टिकट देने वाले बनो, सरकारें तुम्हारे दम पर है, तुम्हारी वोट से हैं, वोट तुम्हारे पास है, वोट तुम्हारा, राज किसी और का। अरे अपने आप को एकजुट करो, अपनी वोट की कीमत को पहचानो, खत्म हो जाएंगे। तब से हमारे बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री अब बोलने लगे, आप देख रहे होंगे बोलना शुरू हो गया है। सर, ईवीएम को लेकर बीजेपी के नेता ने बड़ा बयान दिया, वो कह रहे हैं कि 2024 में कहीं भी वोट डालोगे जाएगा बीजेपी को। आएगा मोदी 2024 में बता देंगे। इस बार सफाया होने वाला है इनका, 200 से नीचे आएगी, नोट कर लो अपने इसमें फोन में, फिर मिलेंगे चुनाव के बाद।